आपकी माँ हो, बहन हो, भाई हो, आपके फोटो में खान पिस्ते की बर्फी छुआवे और खुद ही खा जाए, और आप जिंदा हो, आपको एक बूंद पानी न दे, तब आप क्या कहोगे, क्या करोगे, क्या बोलोगे? अभी छिलवा के दे रहे हैं, अच्छा चल रहे हैं श्रीमती, कहेंगे का अनार निकालो कस के और खूब छील के ढेर सारा भर दो कटोरे में, दिन भर खाए, जितना खून मवाद बन के निकलता है उतना उसकी पूर्ति भी तो हो। चलें ये सही, बीच में पता नहीं अचानक बंद कैसे हो जाता है, ये बात समझ में नहीं आती है, उसको भी दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई टाइमर टाइमिंग इसमें फिक्स हो कितने देर के बाद ये बंद हो जाए। आप 29 तारीख 29 नवंबर 2019 का सीन देख रहे हैं, मैं चल रहा हूँ बंदर भोज के लिए, और इस सामान को वहाँ डाल दें, श्रीमती जी से कहें भैया इसके अनार के दानों को छोड़ाओ और कटोरे में भर के दे दो, उनको बताना पड़ेगा। चलो भैया ये बचा हुआ सामान अब उसमें हम डाले देते हैं, इसमें डाल दिया, गेहूँ भी चला गया, इनका बचा हुआ सामान अलग से फ्रेश रखा हुआ है, ये सब अनार रखे हैं, केले रखे हैं, सेब रखा हुआ है। अब इसमें क्या खराबी है सेब में, है? लो भैया ये भी खाओ, खाओ रोटी कम फल फूल ज्यादा खाओ, तुम्हारी जल्दी तुम ठीक हो जाओ, ले लाम लाम खाओ, कल वाला सेब उठा ले जाए, रुको डर के उठाते हैं कहीं काट न ले, ये बूढ़ी पूरी बूढ़ा जरूर लाके देती है पूरी, एक तो ऐसे इसकी भूख कम है, खाओ ये सब खाएगा इसको भूख लगेगी क्या। चले चले साहब, ये सब बंदर के लिए जा रहा है अनार, इनको ऐसे ऐसे अनार नहीं, ज्यादा से ज्यादा दाना निकाल दो, दिन भर ये दाना खाया करे, ढेर का ढेर रख दिया यहाँ पर, दिन भर अनार का दाना कटोरे में भर के ही रखा हो कि खाए आराम से। अरे तो रोज बंदर के लिए तो उनको जा रहा है उसमें, ठीक। अब देखो गाड़ी में पेट्रोल डलवाना, बताया कि जिधर भी निगाह डालो बस हम, अब कहीं काम है, कार है, ब्याह है, शादी है, बेटी वहाँ उसमें गई है, वो रहती है तो सारा काम कर लेती है, अब आ जाना होगा उनका, दवाई दो बार दे चुके हैं, दवा पिलाना बड़ा कठिन काम है इसका, देखिए कैसा खा रहा है, ठीक। चलें मैं वाणी को विराम देता हूँ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।